हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये आपका एचपी का बेयर बोन्स डेस्कटॉप है। इसका स्पेसिफिकेशन आपका है i5 का 3rd जनरेशन, 8 GB आपका रैम है, 256 आपका SSD लगा हुआ है। सामने का देखिए, पीछे साइड में देखिए, आपका USB का आपका 6 पोर्ट है, USB लगाने का 6 मतलब पोर्ट दिया हुआ है। VGA का एक है, HDMI एक है और पावर का है, और आपका PS2 का भी है, ऑडियो का है भी, और सामने भी आपका 4 पोर्ट है और ऑडियो का भी है, मतलब USB आप सामने भी 4 लगा सकते हैं। तो इसे हम इस वीडियो में आज फॉर्मेट करके दिखाएंगे, BIOS में सेटअप के कैसे करके आप फॉर्मेट करेंगे। हम पेन ड्राइव सामने में देखिए, OS मेरा जिसमें है वो पेन ड्राइव हम कनेक्ट किए हैं। उसके बाद पावर ऑन करते हैं यहाँ से, उसके बाद कीबोर्ड में F9 प्रेस करेंगे। HP का जो भी डेस्कटॉप अधिकतर F9 से ही बूट होता है। F9 प्रेस करने के बाद ये BIOS सेटअप आया है। इसमें सेंडिक्स का मेरा पेन ड्राइव है, ये सेंडिक्स दिख रहा है, यहाँ पे रख के हम इंटर करते हैं। तो इंटर करने से आपका ये पेन ड्राइव में मेरा इंटर हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये विंडोज लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटअप इज स्टार्टिंग ये दिखेगा। ये हमारा विंडोज़ 10 मतलब इंस्टॉल हो रहा है इसमें। ये क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे, बॉक्स में चेक करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नीचे का ऑप्शन क्लिक करेंगे, और ये हमारा 256 GB का SSD है। इसे हम 2 पार्टीशन में क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पार्टीशन को हम न्यू करके 1 लाख मतलब आपका 100 GB आपका कर लेंगे, और सेकंड वाला जो है वो आपका रिमेनिंग जो है वो वैसे का वैसा ही मतलब पार्टीशन बना देंगे, और फर्स्ट में रख के हम फर्स्ट में आपका रख के नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्या होगा कि हमारा फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, 1 से आपका 100 तक होगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिस्टार्ट होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट वगैरह आप फॉलो करके आप कंप्लीट करेंगे, आपका विंडोज़ का 10 का स्क्रीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके आप इस PC को आप खुद से मतलब BIOS में सेटिंग करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।